हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी सुबह का टाइम है और हमारा चाय नाश्ता सब हो गया है, तो अब उसके बाद हम लोग लग गए हैं अपने घर के कामों में। तो बच्चे लोग हैं ना, तो उन लोग को सवेरे उठने के बाद फिर उन लोग को भूख लग जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले हमारा होता है चाय नाश्ता, उसके बाद ही मैं अपने काम में लगती हूँ। अब मैं ताकि आराम से काम कर पाऊँ, नहीं तो इन लोग कुछ करने ही नहीं देंगे, फिर भूख भूख चालू हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले नाश्ता, उसके बाद हमारा काम चालू होता है। तो अब यहाँ पर मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ, और यहाँ पर ये जो बिछा हुआ था ना चादर, वो भी 3-4 दिन से मैं बदली नहीं थी, तो उसको हटा दी हूँ और उसको धुलने के लिए डाल दूँगी अभी। और गंदा भी हो गया था बहुत ज़्यादा, तो अब उधर का काम हो गया और अब मैं आ गई हूँ इस साइड, और बस यही सबको ठीक करने वाली हूँ। तो आज मैं यही दिखाने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। बस इसमें तो यही सब रहता है रोज़ का, बोर भी लगता होगा देख देख के। बस सफाई वाला तो है हमारा ब्लॉग, तो बस उसमें यही सब रहता है। तो बस मैं यहाँ सबसे पहले ठीक कर ले रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ और क्या क्या करना है। और आज ना हम लोग बहुत देरी से उठे, तो इसलिए मेरे को ये सब काम करने में भी थोड़ा लेट हो गया है। 7:30-8 बजे आज उठी हूँ मैं। रात में ना लाइट गोल हो गया था और फिर नींद भी नहीं आया जल्दी से, 2 बजे लाइट आई रात में, फिर उसके बाद ही हम लोग सो पाए, तो फिर लेट हो गया उठने में। अभी तो हो गया है साफ सुथरा, और मैं बस इधर को पोंछ लेती हूँ थोड़ा सा अच्छे से। और सवेरे सवेरे एक बार अपना घर पूरा साफ कर दो ना, तो दिन भर थोड़ा ठीक रहता है। वैसे कुछ कुछ गंदा होता है, लेकिन ये सब मतलब ठीक लगता है, दिखता विकता ठीक है, और ख़ुद को भी ठीक लगता है कि चलो आज मेरा पूरा काम निपट गया, तो आराम से रह सकते हैं हम लोग। अगर घर बिखरा रहता है ना, तो वो सब देख देख के और दिमाग ख़राब होता रहता है। इससे अच्छा है कि सवेरे सवेरे थोड़ा सा 1-2 घंटा दे दो घर, फिर दिन भर ठीक रहता है, मतलब साफ सुथरा रहता है। तो बस ये सब तो हो गया है, और ये मेरा ये रूम ठीक हो गया है। और अब इधर पूछना था अलमारी, इसको पूछ लेती हूँ। खिड़की बना, हम लोग को अलमारी बनाना है, हम लोग बना नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको बनने में। और उधर का होने के बाद मैं यहाँ पे डाल के रखी हूँ कपड़ा, मशीन में बहुत सारा कपड़ा है, तो अब वो भी हो गया है। और अब मैं इसको सूखने के लिए यहाँ पे डाल देती हूँ, जब तक ये सूख जाएगा तब तक मैं और अपने किचन का इधर और काम कर लूँगी। अभी एक बार और डालना है इसमें कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा है आज, ये कपड़ा जब तक हो जाए फिर आए। और अभी ना हम लोग वहाँ गए थे सवेरे, क्या बोलते हो, जो ठेला बनने के लिए दिए थे ना, वो ठेला वाले लोग अभी तक हम ठेला बना के नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कब तक लगेगा, और 4-5 महीना तो हो गया, शायद 3-4 महीना। होली के पहले बना दूंगा बोले थे और अभी तक नहीं बनाए हैं, तो उन्हीं लोग को बोल के आए हैं जल्दी बना के दो, नहीं तो हमारा पैसा वापस करो। अब बहुत कंजट कर दिया है, उन लोग बना ही नहीं रहे, उनका क्या हालत हो गया। और ये देखिए, यहाँ पर ना आज मैं डस्टबिन नहीं रखी हूँ, डस्टबिन गंदा पड़ा है और बाहर रखा हुआ है, तो उसको मैं अभी मांझ के सुखाऊंगी धूप में,
जब वो सूख जाएगा तब मैं लेके आऊँगी। तो डस्टबिन नहीं रहने का क्या हाल, नहीं रहने से किचन में कैसा होता है हालत, किचन का पूरा कचरा यहीं भरते जाता है, इसलिए ना किचन में डस्टबिन रखना बहुत ज़रूरी है। किचन को अगर कचरा फैलाने से बचाना है ना तो डस्टबिन रखना चाहिए किचन में। और मैं अब करूँगी सिंक की सफाई, यहाँ पर मैं डाल दी हूँ सरफ और इसको बस फटाफट कर लेती हूँ। और अभी हम लोग उधर चले गए थे करके ना, थोड़ा और लेट हो गया मेरे को आज। तो वो क्या कर रहा है ना, ठेला बनाने वाले, जब भी हम लोग उनके पास जाते हैं ना तो बोलते हैं तारीख दे देते हैं, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, करें तो क्या करें। तो इसीलिए आज थोड़ा सा बोल के आए हैं उनको, फिर तारीख दे दिए हैं 25 तारीख तक बना के दूंगा बोले। अब देखते हैं 25 तारीख को क्या करते हैं। अब तो स्कूल भी खुलने का टाइम हो गया, पूरा गर्मी छुट्टी निकल गया इस ठेला के चक्कर में, पर वो बना नहीं अभी तक। अब 25 तारीख को जाके देखेंगे। तो मेरा सिंक की सफाई हो गई है इसकी। और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी। अरबी को उबाल ली थी और इसमें मैं डाली प्याज, टमाटर, प्याज भूंजी, उसके बाद लहसुन अदरक और प्याज और लाल मिर्ची दो तीन टुकड़ों को उसको मैं पीस ली थी मिक्सी में। और आजकल का टमाटर ना इतना बेकार हो गया, घुटता ही नहीं है ना, घुटना मतलब कितना भी पकाओ घुटता ही नहीं है, तो इसीलिए आजकल का टमाटर मैं पीस लेती हूँ। तो बस वही मसाला बना के अब इसको डाल दी। और इसमें मैं अभी डालूंगी थोड़ा सा पानी और उसको थोड़ा देर उबाल दूंगी। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। तो ये देखिए मेरा सब्जी बन रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा बस और उबल जाए। और यहाँ पर ना मैं भर रही हूँ पानी, वैसे ड्रम तो भर गया है, और इसको बस ढक्कन को धो के लगा रही थी। और यहाँ पर मेरा बचा हुआ कपड़ा सुखाना, और मेरा कपड़ा भी धुल गया, कपड़ा भी सुखा ले रही हूँ। और साथ में ही ना मेरा खाना भी बन गया, तो ऐसे हो ही गया है सब काम। बस मेरा अंदर वाला रूम थोड़ा सा बचा है साफ़ सफाई करने का, उसका मैं उसको मैं अभी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज लेट हो गया है वैसे, तो मैं वो सब थोड़ा देर के बाद ही कर पाऊँगी। बाय बाय।